प्राइमरी अध्यापकों के ब्लॉक फेडरेशन चंबा के जनरल हाउस का आयोजन चंबा के BRC कार्यालय में किया गया। इस दौरान स्कूलों में अध्यापकों की कमी पूरा करने, मिड डे मील में बच्चों को दिए जाने वाले खाने में मिलने वाली दाल में प्रति बच्चा 10 ग्राम दाल प्रतिदिन कम करने के फैसले पर विरोध जाहिर किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर वह उपनिदेशक से भी मिल चुके हैं। बैठक बारे प्राइमरी टीचर ब्लॉक फेडरेशन के अध्यक्ष अमित कुमार ने जानकारी दी। अमित कुमार, प्राइमरी टीचर फेडरेशन ब्लॉक प्रेसिडेंट चंबा। आज हमारे प्राइमरी टीचर फेडरेशन की जनरल हाउस का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यापकों की जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर विचार विमर्श किया गया। और आजकल आप सभी को विदित है, हम सबको विदित है कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी क्लस्टर क्लबिंग का जो सरकार ने चलाया हुआ है सिस्टम, उसका जो अभी हमारे समस्त अध्यापकों ने विरोध किया। और उसमें उन्होंने यही बताया कि क्लस्टर रिसोर्स शेयर जरूर कीजिए, पर क्लस्टर को क्लबिंग मत कीजिए, क्योंकि हमारे जो वर्तमान में क्लस्टर हैं वो उनको यथावत ही रहने दिया जाए, और उनमें जो वो अगर अध्यापकों की कमी है तो उनको पूरा किया जाए, ना कि उनको जो है वो अपर प्राइमरी के साथ जो है वो जोड़कर जो क्लबिंग किया जाए, उनको हमारे प्राइमरी के हमारे क्लस्टर बने हुए हैं उन्हें यथावत ही रखा जाए। दूसरा इसमें ये है कि जैसे मिड डे मील का बच्चों का होता है राशन खिलाते हैं हम, तो उसमें पहले दाल प्रति 30 ग्राम होती थी बच्चों के लिए, जो कि सरकार ने उसको कम करके 20 ग्राम कर दिया हुआ है, जिससे कि बच्चों के जो वो पोर्शन में वो बहुत ही कम मात्रा लग रही है। तो सभी अध्यापकों ने इसमें ये भी विरोध दर्ज कराया कि जो पूर्व में दाल की मात्रा होती थी 20-30 ग्राम, उसको भी 30 ग्राम ही रखा जाए, 20 ग्राम से बढ़ाकर 30 ग्राम किया जाए। तो ये हमारी विभाग से व हमारे जो उपनिदेशक महोदय उनसे ये मांग रहेगी प्राथमिक शिक्षक संघ चंबा खंड की ओर से, कि एक तो क्लस्टर को हमारे को क्लब ना किया जाए। हाँ, हम रिसोर्स जो वो शेयर पहले भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जो क्लबिंग सिस्टम कर रहे हैं उसको ना करके जो हमारे यथावत अभी जो वर्तमान में क्लस्टर है उनको उनकी स्थिति को जो वो सुदृढ़ किया जाए, और जहाँ पे अध्यापकों की कमी है वो अध्यापक की कमी को जो वो दूर किया जाए। तो ये हमारी मांग है। दूसरी मांग में मुख्यतः ये है कि जो MDM की दाल है उसको जो वो 30 ग्राम किया जाए।